त्रिशोनीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नो बेक मैंगो केक। तो देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में, और खाने में उतना ही यमी और टेस्टी लगता है। तो देखिए आप लोग कितना प्यारा टेक्सचर आया है, इसको आप देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में ये लग रहा है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे रिक्वायरमेंट होगी बिस्किट्स, मैंगो, कोकोनट पाउडर, बटर एंड कंडेंस्ड मिल्क, एंड डेकोरेटिंग के लिए पिस्ता। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्री चॉइस बिस्किट मैंने लिया है 12 पीस। अगर आपके पास कोई और बिस्किट हो तो वो भी आप ले सकते हैं, आप चॉकलेट बिस्किट भी कोई भी ले सकते हैं। और इसको तोड़ के इसको एकदम फाइन पाउडर बना लेना है ग्राइंडर में। अब ये ग्राइंड हो चुका है, तो चलिए हम लोग एक बॉल लेते हैं, उसमें इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डालेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर उसमें थोड़ा बहुत बाइट भी रह जाएगा तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक बाउल लेंगे, उसमें अच्छे से क्लिंग रैप लगाएंगे। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, आपके पास स्टील की हो तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास स्टील की नहीं थी तो मैंने ये कांच की बाउल ली है। इसको लगाने के बाद 2 टेबल स्पून बिस्किट का इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करते हुए, टाइटली एकदम प्रेस करते हुए चारों तरफ से एकदम अच्छे से टाइट कर देंगे। फिर 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट। जब तक ये सेट होता है हम लोग सेकेंड लेयर बनाते हैं। सेकेंड लेयर बनाने के लिए 1 कप कोकोनट पाउडर चाहिए और 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अब ये सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर कोकोनट मिक्सचर डालेंगे। इसको भी वैसे ही टाइटली प्रेस करना है, अच्छे से इसको भी प्रेस करके, कहीं भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे एकदम प्रेस करके एकदम टाइट कर दीजिए। चारों तरफ करते हुए इसको 10 मिनट के लिए, इसको भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए हम लोग मैंगो क्रश बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 मैंगो प्यूरी लेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। अगर आपका आम थोड़ा खट्टा हो तो उसमें आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। आम टेस्ट करने के बाद ही आप थोड़ा उसमें शुगर ऐड करिएगा। फिर इसको मिक्स करते हुए एकदम जब गाढ़ा प्यूरी टाइप हो जाए तब उसको निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा अभी पतला है, अभी इसको और थोड़ा सा और पकाना है। अब ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से रेडी हो गया। अब एक बोल लेंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे ठंडे होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसके ऊपर क्रश लगाएंगे हम लोग। अब ये 10 मिनट हो चुका है, अब हम लोग सेट हो गया है, अब हम लोग निकालते हैं इसको। किनारे से क्लिंग रैप निकाल करके धीरे धीरे उसको ऊपर
खींचेंगे। अच्छे से निकालिएगा नहीं तो ये टूट जाएगा। हाँ, निकालने के बाद क्लिंग रैप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद एक प्लेट में रखेंगे। अब उसके ऊपर 2 टेबल स्पून मैंगो क्रश लगाएंगे। मैंगो क्रश लगाने के बाद मैंगो लगाएंगे जो छोटे छोटे क्यूब्स में कटे होने चाहिए। मैंगो लगाने के बाद ऊपर से गार्निश करेंगे फाइनली चॉप्ड पिस्ता से। तो आप देख सकते हैं मेरा ये नो बेक मैंगो केक एकदम रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।